फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जी संडे और हम लोग आ गए हैं गांव फिर से अपने। अभी तो फ़िलहाल हम अपने पप्पो की तरफ बैठे हैं, ये मैं बैठी हूँ, पापा सोए हुए हैं और हुसैन जो है ना लेट के कार्टून देख रहा है, और मैं और मम्मा यहाँ बैठे हैं। तो आज जो है ना गांव आके मुझे मम्मा ने कहा है कि आगे तो पीछे तो हम गांव की वैसे नॉर्मल वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन आज हम किसी ट्विस्ट के साथ बनाते हैं। तो मैंने कहा क्या ट्विस्ट है? मम्मा कहती तुम मुझे सही गैस करोगी। हालांकि पहले भी मैंने सही गैस किया हुआ चैलेंज, आप लोग पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मम्मा आज कह रही कि आज मुझे फिर सही गैस करो। क्यों मम्मा जी, मैं फिर से सही गैस करूँ? खिदमत भी हो जाएगी। सही है, फिर से स्टार्ट होता है। क्या करवाना है आपने? पहला काम बताओ। बताया मैंने, पुप्पो के घर आई हूँ। हाँ जी, हाँ ईद पे, अब फिर ईद 6-7 दिन बाद ईद है। हाँ जी, 7 वाली गली है। अच्छा चलो, फिर से अचानक ही आना पड़ा। तो फिर क्या करवाना है आपने मेरे से? ज़्यादा ना सौखे सौखे काम देना, यहाँ पे मेरे से मुश्किल काम नहीं होंगे। जूते क्या करके आओ साइड पे। अच्छा चलो, पहला काम दिया है इसको, कुछ जूते साइड पे करके आओ। ये जूते साइड पे कर रही है, इसको पहला मैंने ये काम दे दिया। आज इसने सारा दिन यही काम करना मेरा, ना साइड पे लगाओ। चलो हाँ, एक हो गया। अब दोबारा फिर पहला काम मैंने कर दिया, मम्मा ने मेरे से जूते से ही करवाए हैं, और मैं खुद गेस्ट आई हुई हूँ और मम्मा ने मेरे से जूते से ही करा लिए। घर वाले काम यार नहीं कराने, ठीक है ना? यहाँ तो फिर काम, हाँ तो अब फिर बाकी देखते हैं मेरी क्या आज कमबख्ती आती है। मम्मा मेरे से क्या आज, मैंने बड़ा प्यार, मम्मा मेरे ये चिट्टे सूट का लिहाज कर लेना, मैंने वाइट सूट पहना हुआ था, अभी गंदा गुंदा ना हो जाए। वही मम्मा ने भी नया पहना है, मैंने कहा ईद पे पहन लेना। मम्मा कहती नहीं मैं तैयार जी पहनूंगी। ये नाना बुरे मम्मा को दिया था ईद पे, और मम्मा ने सिलाई करवा के पहन भी लिया। हाँ मैं जो है ना मम्मा को कह तो बैठी हूँ कि सही गैस कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं फंस गई हूँ। हमें उधर याद ही नहीं आया, उधर एक्चुअली हम पुप्पो घर से निकले हैं, तो उसके बाद हम चले गए गांव, गांव से हम निकले तो फिर उसके बाद फिर हम एक और जगह गए और फिर घर वापस आ गए। तो हमें याद नहीं रहा, ना मम्मा को याद रहा ना मुझे। अब मैं घर, अच्छा नहीं आप बता देते हो तो नहीं। अब मैं घर आई हूँ, थका हुआ बंदा सुबह क्या आया, तो मैं थक गई। मैं बड़े मजे से अंदर रूम में लेटी हुई थी, मम्मा मुझे कहती बाहर आओ ना, जरा जो चैलेंज की कहा हुआ वो पूरा तो करो। और मैं कसम से आती, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने चाय बनाई है खुद, इनको भी बना के दिया, मम्मा वगैरह पापा को भी। तो अब जो है ना मैं थक चुकी हूँ, तो अब मेरे में कोई काम करने की हिम्मत नहीं है। और मम्मा को अब याद आ रहा है कि सही गैस चैलेंज पूरा करवाना है। अब क्या करवाना है आपने मेरे से? अच्छा, इतनी मैं अच्छी नहीं हूँ। मम्मा जी रैम करो मेरे पे, कोई काम थोड़ा करवाओ, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रही है। हैं आई, ये कब बात हुई? मेरे साथ आई मूवमेंट हो गया। अरे मामा जी देखें, मैं ना आप सबको भी बताती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मम्मा थी बीमार। आप लोगों ने एक ब्लॉग भी देखा होगा कि हम मम्मा को हॉस्पिटल ले गए थे, मम्मा थी बीमार पूरा एक पूरा दो तीन दिन चार, हाँ मतलब तकरीबन एक हफ्ता लग गया था आपको बीमार। तो जो है ना पूरा वो हफ्ता मैंने मम्मा को इस चारपाई से उठने नहीं दिया। हर काम सुबह से लेकर शाम तक, छोटा सा छोटा काम भी मैंने खुद किया, मैंने मम्मा को उठने नहीं दिया। मैंने सफाइयाँ सुबह सुबह उठ के मैंने की, मैंने खाना तक बनाया, सबको नाश्ता भी मैंने बना के दिया, खाना भी, और मैं अकेडमी भी जाती थी, सारे काम मैंने किया। अब आपका मेरे पे बनता ना थोड़ा कि आप मेरे पे थोड़ा तरस खाएं। नहीं तो उसका मैं आपको रात को नाम नहीं देती थी, जब आप कहती मम्मा मुझे 50 रुपीज़ देना, 100 रुपीज़ देना, मैंने ये खाना, मैं आपको नाम नहीं देती, मैं सब जाके ले भी करती, मेरी बेटी मुझे कुछ नहीं दे रही। तो आप सारा बदलाव निकालोगे? यही कहना, मैं कहा मेरी बेटी तो मेरा ख्याल रखती थी, मैं बीमार थी उसने मेरा बड़ा ध्यान रखा। अच्छा मैंने? वो तो आपने कहा था, वो तो आपने कहा था। ये अब मुझे मम्मा ना मक्खन लगा रही हैं, मक्खन ना लगाओ, काम बताओ। काम यही है कि वो मैं शाम को भेज दूंगी दुकान पे। अच्छा तो मेरे पास 100 रुपीज़ है। अच्छा तो
से। अच्छा आज बनाने हैं अपने आलू वाले चावल। ठीक है, तो आपका ये अगर रात को सब ने ओके कर दी कि ये वेरी गुड अच्छे चावल आपको 100% बना दूंगी। अच्छा ठीक है फिर मेरे पास दो बंदे तो पक्के हैं जिन्होंने, नहीं दो नहीं एक बंदा पक्का है जिसने कह देना है कि पापा, पापा ने तो कहना है बहुत अच्छा, पापा तो आगे मेरे खाने की तारीफ करते हैं कि अच्छा बनाती है, और मेरे पापा, पापा को जो है ना मेरे हाथ के पराठे को ज़्यादा ही पसंद है, वो उन्होंने तो कह देना है, उनके अलावा किसने कहना है। वो चावल गंदम पिसवाई है और मेरी मम्मा गंदम का आटा नहीं खाती। तो अब आप फिर मेरे से काम कराने लगे। आलू वाला चावल वैसे भी मेरे भी फेवरेट है। चले फिर करते हैं यस आपको। अगर मैंने नो कहा आपको किसी काम से मना किया तो उसकी क्या सजा है? आए फिर से आई मोमेंट हो गया। चले फिलहाल तो मेरे में ना उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रही है, टांगों में भी हो रही है, तो आप मुझे फिलहाल चलो जाओ फिर। हाँ जाओ तो आप फिर करते हैं जरा मम्मा को सही यस, औखा काम है लेकिन करना तो पड़ेगा। अच्छा जी मैंने इसको आलू मंगवा दिए हैं, ये देखें आलू है, प्याज है और ये छुरी दी है। मैं कहा इससे नहीं मेरा काम बनना, मेरा काम इससे बनता है। हाँ, ये काम करा ये पहला चैलेंज का ये आलू छीले पहला नहीं दूसरा, पहला दूसरा आपने करवा लिया वो तो छोटा सा सिंपल सा था, अब था तो ना अब मुश्किल वाला आया है। अब चलो पढ़ने वाला आया, अब आपका मोए मोए होगा। नहीं, अब ये आलू छीलने लगी है और ये आलू छीलेंगे तो जिन्होंने जिन्होंने खाना खाना है ना वो आ जाएंगे जल्दी जल्दी, तब तक इसके आलू छीले जाएंगे। उसके बाद ये किचन में जाएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दूसरा इसका चैलेंज क्या था। चले भाई जल्दी जल्दी छीलो, ठीक है आलू काट काटने में आपको बताऊंगी किस तरीके से काटने, छील के रखो अभी। आलू वगैरह मैंने छील दिए हैं मम्मा जी, हो गया ये चैलेंज दूसरा। और ये इसको शौक चढ़ा है कि मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। बेटा तुम्हारी बस हो जाएगी करते करते। और ये देखें ये आलू छील रहा है, ये देखें क्या कर रहा है। और मेरे हाथ हाथ चेक करें, संस्कारी बच्ची ना संस्कारी बच्ची। आलू वगैरह मैंने छील दिए हैं, अब नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है? खाना बनाना। आई फिर से आई मूवमेंट मम्मा, खाना आज खाना तो बनाएंगी, खाना मैं बनाऊंगी, तेरी माँ रेस्ट करेगी। यार इतना ही बड़ी मेरे पे ना करो, ये इसको चेक कर। मैं भी काम कराऊंगा अपनी बहन के साथ। अच्छा बहन पे बड़ा प्यार आ रहा है। उस दिन इसने बर्तन धोए थे। अच्छा सही है, सच्ची में धोए थे। अब मैंने जो है ना आलू वगैरह छील लिए हैं, दूसरा टास्क हो गया मेरा डन। अब नेक्स्ट टास्क आप क्या देना चाहोगे? किचन में चलो बताती हूँ। खाना किचन में जाके क्या करना है? खाना। वाकई? अच्छा चलें फिर। तो मैं जो है ना चावल वगैरह बनाने लग गई थी, वो मुझे आपको दिखाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जल्दी जल्दी फिर बनाने पड़े। तो ये देखें चावल मैंने आलू वगैरह बीच में डाल दिए हैं और चावल ये पड़े हुए हैं, आलू वगैरह डाल दिए। अब पानी बॉयल होता है तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल और चावल बनाएंगे। ये टास्क भी मेरा होता है डन। अब मम्मा से जो है ना नेक्स्ट टास्क हम पूछते हैं कि नेक्स्ट टास्क हमें क्या मिलना है, तो इसको रखते हैं और जाके पूछते हैं नेक्स्ट टास्क। बड़े सुकून से आ गए, यहाँ लेट गई हैं मम्मा जी। मैंने चावल वगैरह जो है ना बना रही हूँ तो वो भी 10 मिनट तक बन जाएंगे। तो अब अगला नेक्स्ट टास्क क्या मेरा? आखिरी, चलो उसके बाद मैं आपसे ना है सच्ची वाकई क्या आखिरी वाला कोई हैवी ना दे देना यार। वो बना लेती हूँ।
पक्का है आप सबके सामने कह रहे हो पक्का लास्ट है ना? उसके बाद ही है। कसम से अच्छा चले हम फिर करते हैं अपना लास्ट टास्क पूरा। आई एम वेरी हैप्पी मेरा लास्ट टास्क है तो इसको जरा पूरा कर देते हैं। शुगर है जान छुट गई जल्दी। हाँ चार मैंने आलू और चावल और बोतलों इसी दिन और बनाऊंगी सुबह से लेकर रात। नहीं नहीं मैंने दो बार सेम गैस कर लिया है अब ना किसी और से करवाना है ठीक है। घर में आप ही हो मैं आपके पापा से तो नहीं करवा। पापा से करवा लीजिएगा भाई काम करता है ऐसे थोड़ा। नहीं 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 चले फिर मैं बाकी सबके क्या आते हैं। चले अब हम अपना लास्ट टास्क पूरा करते हैं और फिर करते हैं इस वीडियो को दी एंड। जल्दी जल्दी मैं पानी की बोतलें भर लेती हूँ 10 मिनट का काम है जल्दी से काम करके फ्री हो जाता है और उसके बाद मैं करूँगी रिलैक्स। जल्दी से अपना करते हैं लास्ट टास्क पूरा तो फिर उसकी पतंग देखो ये चेक करें ये सारा दिन जो है ना यही काम करता रहता है। तो अब जल्दी जल्दी अपना लास्ट टास्क पूरा करके करते हैं वीडियो को एंड। अपना जी लास्ट टास्क पूरा कर दिया बॉटल्स मैंने भर दी हैं यही चार भरी गई हैं बाकी दो तीन जो पड़ी हुई है ना वो पानी खत्म हो गया बाकी हम बाद में पानी फिल्टर से मंगवाएंगे। तो मम्मा ये लास्ट टास्क था ना? हाँ जी चलें शुक्र है टास्क मेरे होते हैं कंप्लीट। ये तो इतना आसान था मतलब इतने आसान आसान हमारे टास्क नहीं है पिछले बार थोड़े से मुश्किल थे। तो आज का चैलेंज होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और अगर आप लोगों के पास कोई चैलेंजेस आइडियाज है ना तो आप लोग हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम अगर मेरे से हो सके तो मैं वो चैलेंज लाजमी करूंगी। आपके दिमाग में अगर कोई है ना कि चैलेंज अगर हम कोई करें तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में हम वो भी करेंगे। सारी माए अपने बच्चों को इस तरह का चैलेंज दे ताकि घर के काम भी हो जाए और माओ को रेस्ट भी मिले। देखा देखा मेन मकसद ये होता है। मैं शरीफ बच्ची ना मैं चुप करके कह देती हूँ ना कि करवा लो जो मुझसे करवाना है इसलिए। तो लास्ट टास्क था अगर आप लोगों के पास मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई चैलेंज आइडिया है तो हमें लाजमी बताइएगा हम वो भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें कमेंट करें बेल के बटन को प्रेस कर दें। पीछे नहीं पड़ा हुआ मैं 180 की स्पीड पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थक गई मेरे सर में दर्द हो रही है काम आपने बड़े करवाए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़।